जोहार, मैं साहिल और आज हम सब जुड़े हैं आंगनबाड़ी केंद्र प्रमुख सेविका श्रीमती नमिता देवी से। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आंगनबाड़ी बालक शिशु बच्चों के विकास में सहायक है। तो नमिता जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने ये आंगनबाड़ी केंद्र क्यों शुरू किया? देखभाल करने के लिए और ये कुपोषण को दूर करने के लिए, खेल खेल के बच्चों को ज्ञान बढ़ाने के लिए मतलब, और बैठने के लिए, जैसे बैठने सीखने, स्कूल जाने से पहले बैठने सीखने के लिए, इसीलिए यहाँ जरूरी था आंगनबाड़ी का। आपके अनुसार आंगनबाड़ी सेविका के क्या कार्य होते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में? आंगनबाड़ी केंद्र में ये होता है बच्चों को वजन करना, बच्चों के स्कूल शिक्षा देना, फिर ये घर घर जाके फिर ये गर्भवती धात्री लोग को ना बताना, टीकाकरण करके दिन टीकाकरण दिन बताना, कैसे खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुपोषण दूर भगाने के लिए आयरन गोली सबके भी यहाँ वितरण होता है। टीकाकरण का दिन एन एम आती है, सीनियर लोग आती है, सबको ये बताती है। और सरकार की तरफ से इस आंगनबाड़ी केंद्र को या बाकी आंगनबाड़ी केंद्रों को किन किन तरह की सुविधाएं प्राप्त की गई? सरकार की तरफ से हमें यही प्राप्त मिला है कि राशन मिलता है उधर से, और बच्चों को खिलाने के लिए सूखा राशन मिलता है, उसको बच्चों को खिलाते हैं। फिर ये क्या बोलते हैं, रजिस्टर वजिस्टर सब मिलता है उधर से ही। फिर ये आयरन गोली सब सरकार की तरफ से ही मिलता है। और इतनी सहायता प्राप्त करने के बाद भी कुछ तो कमी होती ही होगी, तो आपकी सरकार से और किन किन चीजों की अपेक्षा है? जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये बैठने के लिए जैसे टेबल चाहिए, बुक चाहिए, ड्रेस चाहिए, ये सब चाहिए, पेंसिल वेंसिल चाहिए, बच्चों को सुविधा तभी बच्चों को पढ़ पाएंगे, गार्जियन भेजेंगे। और एक आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका होने के नाते उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए? आंगनबाड़ी सेविका होने के नाते उन्हें यही गुण होना चाहिए कि बच्चों को अच्छे से देख रेख करना चाहिए, अपना कुपोषण एरिया में आ जाकर मतलब सब कुछ बताना चाहिए समय पे, जो भी आय सरकार तरफ से मिलता है वो उनके द्वारा उनके यहाँ न्यूज पहुँचाना चाहिए, यही जाके वही कुपोषण मतलब कुपोषण दीदी चाहते हैं काम करना, बच्चों को कुपोषण लाना। तो इस आंगनबाड़ी केंद्र के होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंगनबाड़ी होने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों का कुपोषण दूर करना, बच्चों को ऐसा मतलब छोटा से ही बच्चों का अच्छा मतलब स्कूल जाने के लिए तैयार करना, और जैसे गर्भवती होती है वो कुपोषण से बच्चे ना आजकल मृत्यु दर कितना कम हो गया है, मतलब तो गर्भवती लोग को बताना कि सही टाइम पे खान पान करना और अच्छी तरह से रहना, यही सब और करना। तो ये थी श्रीमती नमिता देवी, आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका रांची से। अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आगे की खबरों और आगे की जानकारी के लिए बने रहें यूएमयू न्यूज़ पे।